मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज। अक्सर हम आपको शहर के विकास कार्यों के बारे में दिखाते रहते हैं, शहर में विकास हुआ ना हुआ इसके बारे में दिखाते रहते हैं। आज हम खड़े हैं हुड्डा सेक्टर 6 के अंदर, जो हुड्डा द्वारा यानी कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा तो विकसित हुआ, लेकिन उसमें विकास कार्य किसने करवाए? ये जो नेटवर्किंग, जो पार्कों की या सड़क का जो विकास करवाना, ये हुड्डा की ड्यूटी है या नगर परिषद के अधीन आ गया है, यह सब जानने के लिए आज फिर हम अपने एक प्रॉमिस के द्वारा एक चेयरमैन प्रतिनिधि को बुला रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे कि हुड्डा में नगर परिषद की कैसे एंट्री हुई, जो नेटवर्किंग है यानी कि पार्कों की और जो सड़कों का निर्माण हुआ है। तो मैं, मेरे साथ खड़े हैं नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी जी। आइए, वादा के अनुसार आपसे पूछते हैं, आप कह रहे थे कि हमने हुड्डा में भी पार्क ऐसे बनवा दिए हैं जो मुंह बोलते हैं। हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को लाता है, जो हुड्डा से मतलब मेरा वो पूर्व मुख्यमंत्री से नहीं है, ये अथॉरिटी से है। तो जो यहाँ पार्क के जो निर्माण हुए हैं, मैं देख रहा हूँ एक पार्क के अंदर ही खड़ा हूँ, तो ये नगर परिषद ने डेवलप करवाया या हुड्डा ने करवाया है? सबसे पहले तो बंसल जी, मैं हंसी की आवाज़ का जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इस चैनल को देखते हैं। और मैं बंसल जी, जो आपने पूछा कि हुड्डा का डेवलपमेंट है जो किसने कराया है, तो हुड्डा का डेवलपमेंट नगर परिषद ने कराया है, क्योंकि ये 4 साल पहले नगर परिषद के अंदर मर्ज हो गया था हुड्डा। तो इसका जो भी काम है, जैसे सड़क का काम है, पूरी हुड्डा सेक्टर है, आपने देखा है ये सारा सेक्टर, सेक्टर 6 है, इसके अंदर जितनी भी सड़कें हैं सभी का काम नगर परिषद ने करवाया है। और इसमें आप जो अनाज मंडी के साथ वाला रोड देखोगे, ये भी सीसी का रोड अपने नगर परिषद की तरफ से ही बनवाया है। और जितने भी हुड्डा के अंदर पार्क हैं, सभी पार्कों का काम, चाहे रिपेयरिंग का काम है या नया बनाने का काम है, कोई भी काम है, ये सारा नगर परिषद ने कराया। तो आप पार्क के अंदर आए हो। तीखा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो भी हुड्डा के प्राधिकरण है उसमें नगर परिषद अपनी दखल करती है डेलिबरेटली, क्या ऐसा तो नहीं है कि भी हम काम करवाएं, हम विकास करवाएं, हमारा नाम हो, हुड्डा करना हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ये वार्ड नंबर 16 में आता है, और जो हुड्डा ने इसको नगर परिषद के अंडर में कर दिया है, जो पीछे पॉलिसी आई थी कि जितना भी हुड्डा है वो सारा नगर परिषद के अंदर मर्ज कर दिया है। अच्छा, मर्ज होने के बाद सारा जितना भी इसका कार्य है वो सारा नगर परिषद के अंडर में आ गया था। तो उससे हमने यहाँ इस रोडों की हालत बड़ी खस्ता थी, इन रोड जितने भी मेन रोड हैं, जो गलियाँ हैं इस हुड्डा के अंदर, सारी यहाँ पर खस्ता हालत थी। तो हमने यहाँ पर इसका तारकोल का काम करवाया था सबसे पहले। अच्छा, और हुड्डा में जितने भी पार्क हैं उनमें भी सारा में डेवलपमेंट हमने ही करवाई है। आप देखोगे पार्कों के अंदर फुटपाथ देखो, हमने से मतलब नगर परिषद। हाँ, नगर परिषद। टाइलें देखो आप, ग्रिल वगैरह रोड पे देखो, झूले देखो, जिम देखो, सभी पार्कों में हमने जिम भी लगवाई, झूले भी लगवाए। पार्कों की बड़ी दुर्दशा भी दिखाई है बहुत, यानी कि वहाँ रख रखाव नहीं होता, आप लोग बनवा देते हैं लेकिन रख रखाव के अभाव के कारण वहाँ घास सूख जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। मसलन मैं यहाँ भी दिखा दूँ कि भी घास कम नजर आ रही है थोड़ी सी, तो ये क्या वजह क्या है बंसल जी? ये नहीं लगी है घास। हाँ, और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर माली वगैरह नहीं रहते हैं। हाँ, रहते हैं, हर हुड्डा पार्क में माली भी है। हुड्डा चाहे हाथी के कोई भी 1 से लेकर 27 वार्ड के अंदर जो भी पार्क है उनमें हमने जो टेंडर दिया हुआ है माली का, और जो इस पार्क को के अंदर हमने रिपेयर के साथ साथ में, जैसे छतरी का काम लगा लो, और आपने देखा होगा जिम लगा लो, झूले लगा लो, देख रहा हूँ इक्का दुक्का यहाँ आपने मशीनें तो लगाई हैं, ये जो वर्जिश के लिए है, फुटपाथ लगा लो, जो माताएं बहने रात सुबह घूमते हैं, और आप दीवारों के ऊपर टाइलें देखो ना, टाइलें लगवाई है, और लाइटें जितने भी हुड्डा के अंदर है पार्क सभी में हमने काम करवाया है। जिस 4 साल पहले यहाँ पर बिल्कुल खंडर पार्क थे, और सड़कें बिल्कुल रोड़ी निकली हुई सड़कें मिली थी, जो बिल्कुल बेकार थी सड़कें, आने जाने के लिए दिक्कत हुई। हुड्डा के जो भी हैं यहाँ के MC हैं विनोद सिंगला, और सुनो सुनो बंसल जी, पहले पहली बात सुनो,
जो विनोद सिंगला जी हैं और जो इनकी यहाँ पर उड्डा में इन्होंने एक संस्था बनाई हुई है, ये संस्था वाले सारे सभी मिल के आए थे कि प्रधान जी हमारे उड्डा का आप काम करवाएं नगर परिषद की तरफ से। सर तो मैं एक एक बात से इत्तफाक नहीं रखता आपकी, जब भी कोई यानी कि गुणवत्ता की चेकिंग होती है, जब भी कोई मटेरियल या जो लगता है कि भी इसमें प्रॉपर मटेरियल लगा नहीं है, उसकी सारी की सारी सही आ जाती है, तो इसका मतलब सही बनते हैं क्या बंसल जी? बहुत सी आपके पास सीएम विंडोज भी लगी होंगी, आपने झेली भी होंगी बहुत सी, और शिकायतें भी बहुत कही होंगी, लेकिन आज तक सभी हमारे पास जो रिपोर्ट है। देखिए बंसल जी, ये तो रूटीन का काम होता है, काम होएंगे तो शिकायतें भी होंगी। हाँ। मगर ऐसा नहीं है, काम सारा गुणवत्ता के अनुसार ही होता है। हमारे जेई भी हैं, एमई भी हैं, एक्शन भी हैं, सारे अधिकारी हैं, सभी देखते हैं, उसके बाद हम खुद भी जाके देखते हैं। हाउस के लोगों से भी आपको झेलना पड़ा काफी पीछे, लेकिन आज तक कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई, ये क्या वजह ऐसे है? पब्लिक में काम तो देखो, अगर काम होएंगे तो आवाज़ भी उठेगी, आवाज़ उठेगी, और हमारा एक ही मकसद रहे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, विकास कार्य हो, करवाएं। क्योंकि आपको भी पता है बंसल जी, 4 साल पहले, 5 साल पहले बिल्कुल हांसी शहर में बिल्कुल जो भी काम मानो कि सारा शहर हमें बिल्कुल किस पोजीशन पे बताएं कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि काम शहर के अंदर। मैं तो एक विरासत में मिला था, विरासत में मिला था आपको, यानी कि पहले सारा एरिया खराब था, खंडर। हाँ, खंडर आपका। तो हमने धीरे 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 करके हंसी शहर के मेन रोड लगा लो आप, और हंसी शहर के सारे पार्क लगा लो, और हंसी शहर में एक पार्क बनवाया, और वो आपने अपने इंटरेस्ट के लिए बनवा लिया। मंडी सैनियान के अंदर जो आपका वार्ड बनता है, वहाँ तो बहुत गंद हुआ करता था, कहते हैं कि विनोद जी ने तो चमन कर दिया वहाँ पे। बंसल जी, लोगों की भी डिमांड थी, हमारे वार्ड के जितने भी लोग थे। आपका अपना खुद का भी इंटरेस्ट था कि आपका वार्ड पड़ता है? नहीं, वार्ड के लोग जहाँ भी लोग होंगे, जहाँ पार्क की जरूरत होगी वहाँ हम बनवाएंगे। अच्छा। ऐसा नहीं कि हमारे इधर जो मंडी सैनियान का वार्ड है उसमें काम करवाया, हमने पूरे 27 के 27 वार्डों में काम करवाया है। वहाँ भी पार्क की जरूरत थी तो हमने वहाँ पे पार्क बनवाया। ये थे विनोद सैनी जी, जो बहुत यानी कि दावा कर रहे हैं कि हमने हुड्डा में यानी कि हुड्डा के जितने पार्कों का विकास है सारा नगर परिषद के पास आ गया है, सड़कों का विकास है नगर परिषद के पास आ गया, यानी कि ये। मगर बंसल जी एक बात हो रहा है, जो इनका डेवलपमेंट चार्ज है या और कोई है, वो सारा उड्डा ले जाती है, उड्डा ले जाती और है। जो खर्चे का काम है वो हमारा नगर परिषद करवाता है। हाँ। ये भी, और इनके लिए हमने ना उड्डा के लिए एक कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर, हाँ, उसकी भी कागज कार्रवाई चल रही है। हाँ। और जैसे ही जल्दी ही वो भी पास हो गया जाएगा ऊपर से, तो वो 6 करोड़ का उसका। आप इतने तेज तर्रार प्रतिनिधि है, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट चार्जेस भी आप ही लेना शुरू कर देंगे आने वाले समय में, तो ये आवाज हम आपके आगे तक पहुँचाएंगे। जब खर्च करते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस आपको मिलना ही चाहिए। मैं यही तो कहता हूँ ना भाई, सरकार से अगर मान लो उड्डा का डेवलपमेंट चार्ज अगर उड्डा भरवाती है और जो खर्चा नगर परिषद करती है, तो डेवलपमेंट चार्ज भी नगर परिषद के अंदर ही जाना चाहिए ना। गुणवत्ता से हो काम, गुणवत्ता से काम नहीं, नगर परिषद तो अपना काम करवा ही रही है। अगर डेवलपमेंट चार्ज, हाँ बिल्कुल करवा रही है, बताओ कहाँ कोई दिक्कत आई है तो, परेशानी आई है तो बताओ, ये तो चलता रहता है काम। तो चलो मैं सारी बात कबूल करता हूँ, पब्लिक है सब जानती है। और आप उड्डा के लोगों से भी पूछिए, मैं पूछूंगा उड्डा के अंदर काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये लोग बताएंगे। आप सर्वे कीजिए उड्डा का और फिर बताना कि कितना काम करवाया इस। जनता जनार्दन, जनता जनार्दन आईना होती है, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी आपकी फीडबैक लेंगे कि क्या वाकई ही यह गुणवत्ता के हिसाब से यहाँ पार्क डेवलप किए गए हैं, सड़क डेवलप की गई है। आप हमारे चैनल पे चौथी मरतबा आ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत बंसल जी, मेरे को तो जब भी बुलाओगे मैं आऊँगा। अपने तो शहर के अंदर काम करवाए हैं और हमारे जो विकास कार्य करवाए हैं। चलो अंत में बस एक मुक्तक छोड़े चलता हूँ, वो सिलुके से हवाओं में खुशबू घोल देते हैं, कुछ लोग आप जैसे हैं जो मीठा बोल देते